यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ अपनी ताकत का नमूना पेश किया। हूती लड़ाकों ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को सेंट्रल इसराइल पर दाग दिया। यमन से छोड़ी गई इस मिसाइल से इसराइल में जबरदस्त खलबली मच गई। इजरायली पीएम से लेकर सैन्य अधिकारी तक हरकत में आ गए। एक बार फिर सवाल उठने लगा कि हूतियों की मिसाइल इसराइल के एयर स्पेस में आखिर कैसे घुस गई। एक बार फिर यमन के हूतियों ने इसराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ने मध्य इसराइल पर हमला किया, जो कि एक खाली इलाके में जा गिरी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि बताया गया कि मिसाइल अटैक का असर इतना जोरदार रहा कि राजधानी तेल अवीव में भी अलर्ट सायरन बज गए। वहीं सेंट्रल इसराइल में लोगों में जान बचाने को लेकर अफरा तफरी मच गई। सभी निवासी सेफ सेंटर्स की ओर भागते हुए देखे गए। इस दौरान इलाके में जोरदार विस्फोट सुने गए, जिस पर इजरायली सेना ने बताया कि हूती के हमले की जवाबी कार्रवाई में मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए। मध्य इजरायल में एक इंटरसेप्टर का मलबा भी मिला था। आईडीएफ ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए खुलासा किया कि इजरायल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने यमनी मिसाइल को मार गिराया। बता दें, ये वही इजरायली सिस्टम है जिसने ईरानी हमलों के दौरान भी अहम रोल निभाया था। इसे इसराइल का अभेद्य सुरक्षा कवच बताया जाता है। हालांकि ऐसा दावा है कि हूतियों के मिसाइल हमले में ये डिफेंस सिस्टम उस ताकत से काम नहीं कर पाया जिसके लिए ये पहचाना जाता है। दरअसल इजरायली दावे पर अब तक सवाल होने लगे हैं, क्योंकि गेजेर के पास और तीन अन्य इलाकों में छर्रे गिरे, जिनमें मोदीन रेहोवोट के पास पातेई मोदीन ट्रेन स्टेशन भी शामिल है, जिससे जाहिर होता है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली एयर स्पेस के बाहर मिसाइल को मार गिराने में सफल नहीं रहे, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम हूतियों के हवाई हमलों को पकड़ पाने में कारगर नहीं रहे हैं। ड्रोन हो या फिर मिसाइल, सभी इजरायली रडार सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे। ये दूसरा मौका है जब इजरायल में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल में घुसकर हमला किया हो। इससे पहले हूतियों ने अपने ड्रोन से इजरायली राजधानी तेल अवीव को दहलाया था, जहां एक शख्स की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। वहीं हालिया हमले में बताया जा रहा है कि अलर्ट सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थानों की ओर भागते समय 9 लोग मामूली रूप से घायल हुए। बताया जाता है कि ईरानी हमले के दौरान एयर जो सिस्टम ने 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोनों को इसराइल के आसमान तक नहीं आने दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम ऊपरी वायुमंडल में काम करता है। आइए जान लेते हैं इसराइल के सबसे उच्च स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को। यह इसराइल की ओर किसी भी तरफ से आने वाली मिसाइलों को भी मार सकता है, साथ ही 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में भी कारगर है। इसकी खूबी यह है कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर भी मार सकता है। यह हथियार ले जाने वाली मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है। इतना ही नहीं, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी नष्ट कर देगा। Thank you.